झूठ और नफरत की जो दीवार इस देश में खड़ी की गई है वो टूटी तो नहीं है, लेकिन उसमें एक छेद कर दिया इस यात्रा ने, और एक बार छेद हो गया तो देखना एक दिन ये दीवार टूट जाएगी, और जब टूटेगी तो फिर लोगों को बहुत कुछ दिखाई देगा और इस देश में इन नफरत की राजनीति बंद होगी, उसकी शुरुआत हो गई है। पप्पू की जो छवि थी, पप्पू का जो स्टिकर था, ये मोदी जी के कई पाप को ढकता था, जब वो स्टिकर उतर जाएगा तो इनके सारे पाप दिखाई देंगे, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। बीजेपी आपके बड़ा सवाल करेगी कि योगेंद्र यादव अब यहाँ पे भी पहुँच गए अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए पहुँच गए। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि जहाँ कुर्सी दिखती है वहाँ पहुँच गए, जहाँ लाठी पड़ती है, जहाँ गाली पड़ती है, जहाँ संघर्ष है वहाँ योगेंद्र यादव है, तो मैं इसे मेडल के रूप में लेता हूँ। अच्छी बात है, एक दो और मेडल मिल जाए अच्छा रहे। जो टीवी पे नफरत दिखती है, जो हिंदू मुस्लिम टीवी पे दिखता है, मुझे यहाँ पे ग्राउंड में वो नफरत नहीं दिख रही, मैं पहले समझता था। ये बात सच है, दिल्ली के ड्राइंग रूम और चंडीगढ़ के ड्राइंग रूम छोड़ दो, और अगर आम लोगों के बीच में जाओ, उनको चिंता फसल के दाम की है, उनको चिंता है कि खाद नहीं मिल रही, उनकी चिंता है कि आदिवासी को पट्टा नहीं मिल रहा, उनकी चिंता है कि लड़की सुरक्षित नहीं है, उनको इस नफरत से लेना देना नहीं है। चुनाव आते हैं, वोट होती है, तब बीजेपी क्यों आगे आ जाती है? दिल्ली की बात करें, आम आदमी आ रही है, कांग्रेस वोट में क्यों नहीं? तीन में से एक जवाब जीती, दो हार गई, बंगाल में लड़े हार गई। जो इनके खिलाफ जम के डट के लड़ता है भाग जाते हैं, किसान आंदोलन में यही हुआ। बस ये लेसन है, करना है तो जम के डट के अंदर से संकल्प करके लड़ाई करनी होगी। योगेंद्र यादव जी भी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हैं, आप भी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गए, सुनने कैसे देखते हो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को? मैं इसे राहुल गांधी की यात्रा के रूप में नहीं देखता, मैं इसे कांग्रेस की यात्रा के रूप में सिर्फ नहीं देखता, ये भारत की यात्रा है, वो यात्रा जिसके जरिए भारत अपने आप को खोज रहा है, पा रहा है, और भारत ये देख रहा है कि सिर्फ नफरत का देश नहीं है, ये सिर्फ सांप्रदायिकता का देश नहीं है, और ये देश झूठ को एक हद के बाद बर्दाश्त नहीं करेगा। झूठ और नफरत की जो दीवार इस देश में खड़ी की गई है वो टूटी तो नहीं है, लेकिन उसमें एक छेद कर दिया इस यात्रा ने, और एक बार छेद हो गया तो देखना एक दिन ये दीवार टूट जाएगी, और जब टूटेगी तो फिर लोगों को बहुत कुछ दिखाई देगा। ये 15 लाख कहाँ गए, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, वो किसानों की डबल इनकम कहाँ हुई, चीन में कौन कब्जा करके बैठ गया लद्दाख बॉर्डर पे, ये सब सवाल आएंगे, और इस देश में इन नफरत की राजनीति बंद होगी, उसकी शुरुआत हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का सियासी करियर कैसे? अब ये तो आप उनसे पूछो। मेरे लिए राहुल गांधी का एक महत्व है, वो ये कि अब तक पप्पू की जो छवि थी, पप्पू का जो स्टिकर था, ये मोदी जी के कई पाप को ढकता था, जब वो स्टिकर उतर जाएगा, और वो उतरना शुरू हो गया है, जब वो स्टिकर उतर जाएगा तो इनके सारे पाप दिखाई देंगे, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। आप भी उस स्टिकर को उतारने के लिए इस यात्रा में शामिल होंगे? स्टिकर तो उतरना चाहिए और वो उतर रहा है, मेरा पर्पस तो उनके पाप दिखाना है, इस देश को तुगलकी राजा की सच्चाई इस देश को पता लगे, और इस देश को जो ऊपर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, घर में आग लगा के रोटी सेकने का जो खेल हो रहा है, ये अंग्रेजों वाला खेल है, डिवाइड एंड रूल, वो इस देश में किया जा रहा है, उसकी हकीकत जनता को पता लगे, मुझे सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है। राहुल गांधी ने सभी ओपोजिशन को कहा भी था कि हमारे साथ जुड़ो, आप वही पहलकदमी कर रहे हैं या फिर आगे कांग्रेस को लेकर? ओपोजिशन को ही नहीं, उन्होंने देश के तमाम जन संगठनों को, जन आंदोलनों को, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको इनवाइट किया था कांग्रेस ने, और हम उसको रेस्पॉन्ड करके आ रहे हैं। हम तो ये जो सारे लोग यहाँ है ये कांग्रेस के नहीं है, ये सब मैं तो अपने संगठन का बिल्ला लेके चलता हूँ जी, हम सब इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त देश को जलाने की कोशिश हो रही है, और जब मेरे घर को आग लगाई जाएगी उस टाइम मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बाल्टी लेके आया है उसकी बाल्टी नीली है कि लाल है कि पीली है, जैसी भी है भाई तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, बस ये। बीजेपी आपके बड़ा सवाल करेगी कि योगेंद्र यादव अब यहाँ पे भी पहुंच गए, भारत जोड़ो यात्रा में भी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए पहुंच गए, कमेंट आएंगे? कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि जहाँ कुर्सी दिखती है वहां पहुंच गए, अगर ये कहते हैं कि जहाँ लाठी पड़ती है, जहाँ गाली पड़ती है, जहाँ संघर्ष है वहाँ योगेंद्र यादव है, तो मैं इसे मेडल के रूप में लेता हूँ। अच्छी बात है, एक दो और मेडल मिल जाए अच्छा रहे। कौन से मिले?
हाँ हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है। हाँ भाई यात्रा में साथ हो, कई बार बात होती रहती है जी। क्या सोच कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जो टीवी पे नफरत दिखती है, जो हिंदू मुस्लिम टीवी पे दिखता है, मुझे यहाँ पे ग्राउंड में वो नफरत नहीं दिख रही। मैं पहले समझता था ये बात सच है कि देश में अगर आप जमीन पे चले जाओ, ये दिल्ली के ड्राइंग रूम और चंडीगढ़ के ड्राइंग रूम छोड़ दो, और अगर आम लोगों के बीच में जाओ, उनको चिंता फसल के दाम की है, उनको चिंता है कि खाद नहीं मिल रही, उनकी चिंता है कि आदिवासी को पट्टा नहीं मिल रहा, उनकी चिंता है कि लड़की सुरक्षित नहीं है, उनको इस नफरत से लेना देना नहीं है। इस देश में नफरत की फसल एक से ज्यादा उगाई नहीं जा सकती, एक बार उगली है अब ये खत्म हो। जब चुनाव आते हैं, वोट होती है, तब बीजेपी क्यों आगे आ जाती है? दिल्ली की बात करें, आम आदमी आ रही है, कांग्रेस वोट में क्यों नहीं? आप ही तो देखो, तीन में से एक जवाब जीती, दो हार गई, बंगाल में लड़े हार गई। जो इनके खिलाफ जम के डट के लड़ता है भाग जाते हैं। किसान आंदोलन में यही हुआ, बस ये लेसन है, करना है तो जम के डट के अंदर से संकल्प करके लड़ाई करनी होगी, वो करेंगे तो लड़ेंगे और जीतेंगे। इस तरीके के साथ है हर कोई। योगेंद्र यादव का कहना है कि मैं, अगर सियासी कोई मेरे से ये कहेगा कि मैं कहीं भी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए चला जाता हूं तो मेरे लिए ये मेडल होगा, मैं कुर्सी की तलाश में नहीं जाता, मैं लाठियों की तलाश में जाता हूं, मैं देश को जोड़ने की तलाश में जाता हूं। कैमरा पर्सन विदेश के साथ शेषम नागरा, दिल्ली।